राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल टाइम में स्कूल आ सकते हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर पवन गुप्ता। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों को किसी सवाल का जवाब नहीं आता है तो वह स्कूल टाइम में स्कूल टीचर से बात कर स्कूल आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों को स्कूल में आने के लिए कहा गया है, जिसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कहा गया है कि वह स्कूल आ सकते हैं और अपने अपने टीचरों से आकर अपनी कक्षाओं संबंधी चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन गुप्ता ने बताया कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्कूल बुलाने को कहा गया है। अपने अपने विषयों के सवाल पूछने के लिए बच्चे स्कूल में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय का 50% स्टाफ एक दिन आ रहा है, जबकि अगले दिन दूसरा स्टाफ विद्यालय में आ रहा है और फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्र छात्राएं विद्यालय में सुबह आ भी रहे हैं। सरकारी विभाग के आदेशानुसार बच्चों को बुलाने की प्रक्रिया नहीं है अभी। बच्चों को सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर बच्चों की किसी भी विषय में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों ने कोई हल सोल्यूशन निकालना पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई बात करनी है, तो बच्चे अपना स्कूल में आ सकते हैं टीचर से बात करके और वो अपनी समस्या को समझ के पूछ के घर चले जाएंगे। हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं वो फिर आज की डेट में रोटेशन में आ रहे हैं। 50% स्टाफ एक दिन आ रहा है, 50% स्टाफ अगले दिन आ रहा है, लेकिन हम जल्द ही इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, स्टाफ की रोटेशन बंद करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं विद्यालय में आएँ और बच्चों टीचरों से आके अपना जो है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, वो उससे डिस्कस करें। तो सर क्या अभी बच्चे आने रहे स्कूल? बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जो कौन से क्लास में? बच्चे अभी फिलहाल 9वीं से 12वीं के बुलाए थे, लेकिन 10वीं और 12वीं के ही आ पा रहे हैं। 9वीं और 11वीं के बच्चे कम आ रहे हैं और उम्मीद है कि 2-4 दिन में सभी बच्चे मैक्सिमम बच्चे आने आरम्भ हो जाएंगे।